हमारे जो रोडवेज की टीम है, जिसके जिम साहब इसके हेड हैं, इन साथियों ने मिलकर बहुत सुंदर एम्बुलेंस बनाई है। एक एक एम्बुलेंस के अंदर चार चार बेड हैं, स्ट्रेचर है, पीपी किट के लिए अलग बॉक्स है, हर बेड के ऊपर पंखे लगे हुए हैं। तो पूरी सुविधाजनक ये तैयार किया है ताकि रूरल एरिया में शहर से दूर जो लोग रहते हैं उनको हम ये सुविधा प्रदान कर सकें। स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करके जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ खड़ी करेंगे, और ताकि इमीजिएटली किसी भी पेशेंट को शहर में अपने हॉस्पिटल में पहुँचने में देरी ना हो। नहीं, देख लेंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। रोडवेज के हैं, बड़े अच्छे स्टाफ है, इनको थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे और इनको थोड़ा हम ब्रीफिंग करेंगे तो ये अच्छी सेवा करेंगे। ये मरीजों को कैसे दो पाई, कोई नंबर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हाँ, ये मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू हम न्यूज़पेपर में दे देंगे कि उस नंबर पे कॉल आएगी तो इमीडिएटली वहीं पर ये सेवा पहुंच जाएगी। देखो, जो भी सरकार के आदेश होते हैं और विभाग के आदेश होते हैं, हम उसको चैलेंज स्वीकार करके काम करते हैं। मेरी मेरी सर्विस में यही चैलेंज मैंने स्वीकार किए हैं इस टाइप के। तो हमने 3 दिन के अंदर अंदर ये चैलेंज मिला था कि 3 दिन अंदर कम्प्लीट करो। पूरे हरियाणा में सबसे अच्छी बस अपनी सिरसा डिपो की है, क्योंकि किसी में कर्टेन नहीं है, किसी में वो है, लेकिन हमने मेरी टीम के साथ पूरा टीम ने पूरा सहयोग दिया और उसको देखते हुए हमने इसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए और कम्प्लीटली तैयार कर दिया है। एक बेड पे इंडिविजुअल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया गया, हर एक बेड के ऊपर पंखा तैयार किया गया, और ताकि शीशे गर्म ना हो उसके लिए कर्टन स्पेशली लगाए गए हैं, और स्ट्रेचर भी रखा गया है ताकि जो पेशेंट ज़्यादा ही तकलीफ में है तो उसको स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में बिठाया जा सके। चालकों की सुविधा के लिए? हाँ, चालकों की सुविधा 24 आवर मिलेगी, हमारा स्टाफ रहेगा, इनके इनके ऊपर डिपेंड करेंगे रोडवेज स्टाफ।